बस्ती जिले के सरकारी अस्पताल में आए दिन अक्सर नर्स और मरीज के तीमारदारों में झड़प हो जाती है। फिर होना क्या है, मेडिकल एक्ट और छेड़छाड़ का आरोप भी लगा देते हैं। जिला अस्पताल के नर्स अपने मरीज को लेकर परेशान हो जाते हैं। तीमारदार ऐसा ही एक मामला शनिवार को रात्रि तकरीबन 11 बजे सामने आया। संदीप नाम के एक व्यक्ति को इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड बेड नंबर 5 पर रखा गया। इसी बीच तकरीबन रात्रि 12 बजे अस्पताल के स्टाफ नर्सों ने 2 घंटे अपने कामकाज को ठप कर दिया और धरने पर बैठ गई। नर्सों का 2 घंटे ना काम करना कई मरीजों की जान को जोखिम में डालना साबित हो सकता था। स्टाफ नर्सों ने आरोप लगाया है कि मरीज संदीप के साथ में तकरीबन 25 लोग आए और ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स सीमा के साथ में गाली गलौज एवं सारा रिकॉर्ड रजिस्टर के साथ छीना झपटी की। इस दौरान सूरज सिंह नाम का व्यक्ति भी था। इस दौरान उन्हीं लोगों में से किसी ने स्टाफ नर्स का कपड़ा भी फाड़ दिया और गंदी गंदी गालियां देने लगे। इस दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई और हर्षित को कोतवाली पुलिस में अपने साथ ले गई और पकड़ के बैठाई रखी। पकड़े गए लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, स्टाफ नर्सों की यही मांग रही। स्टाफ नर्सों ने कहा, अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पूरे घटना को लेकर 2 घंटा पूरे अस्पताल में कामकाज ठप रहा। इस मामले में कोतवाली पुलिस अस्पताल के स्टाफ नर्सों की तहरीर के आधार पर मारपीट दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ और छेड़खानी का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। एक सुई लगा रही थी, उसके बाद मैं रिटर्न वर्क कर रही थी, उसके बाद 3-4 लोग मेरे साथ आए हैं, उसमें बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर कहाँ है, तो मैंने बताया कि डॉक्टर ट्रामा सेंटर में मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें लोकेशन दीजिए, तो हम कहा भैया लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ये सामने तो ट्रामा सेंटर पड़ता है, आप आइए दिखा दीजिए। कहीं नहीं डॉक्टर को आप यहाँ बुलाइए, हमको डॉक्टर ट्रामा सेंटर में बैठता है। उसके बाद ये आके अंदर बैठ गए, मैंने इतना मना किया कि भैया अंदर मत बैठिए, चेयर पर मत, कहें आपकी हैसियत क्या है, आप मुझे चेयर पर से उठाएंगे, मैं यहाँ 10 लोग को आपके पास बैठाऊंगा। उन्होंने इतना मिसबिहेव किया मेरे साथ, उल्टा पलटा वो बोलने लगे मेरे साथ, गाली देने लगे, गलौज करने लगे, आपका बिहेवियर नहीं अच्छा, ये है वो है, बहुत उल्टा से था वो लोग बोले हैं। नाम बताइए, कौन थे वो लोग? अब चेयर पे जो बैठे थे वो थे, उनका नाम सूरज सिंह था और उनके साथ वाले काफी गाली गलौज कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे। और जब मैं आई तो जब मैं वहां से निकलने लगी तो पीछे से किसी ने मेरा कुर्ता पकड़ के खींच दिया, पकड़ के खींचने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन मैं वहां से छुड़ा के भाग गई। उसमें सिलन भी खुला है, कुर्ता फट गया मेरा। किस मरीज के साथ थे ये लोग? मरीज का नाम था हर्षित, संदीप नाम का एक और मरीज था जो कल बवाल कर रहा था, वो आज भी गाली गलौज में शामिल। हर्षित वाला भी बवाल किया, वो आज भी गाली। मरीज को क्या दिक्कत है, वो लोग आए थे जब भर्ती किया? मरीज टीबीडी का पेशेंट था, मरीज स्टेबल था, मरीज को कोई दिक्कत नहीं था, मरीज था, मरीज ने देखा था उसको, पूरा काम हो उसको लाभ भी था, उसको जांच हो गई। घटना कितने बजे की है? ये घटना है करीबन 12 बजे की। और भर्ती कितने बजे हुआ आपके यहाँ? मरीज भर्ती हुआ था 10:45, हाँ सर 10:15 एडमिट हुआ। उसका सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ ये लोग कोई नेता जी बाद में आए और बाद में आकर के ये अपना नेता कोई डिस्कस नहीं किए, सीधे वो लोग बस वही डिस्कस किए हैं कि डॉक्टर कहाँ है, SIC कहाँ है, SIC को बुलाइए, 15 मिनट के अंदर आप SIC CMO सबको बुलाइए, नहीं देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। फिर आपने SIC साहब को सूचना दी? हाँ SIC साहब को मैंने सूचना दिया। क्या सूचना दिया? मैंने SIC के पास कॉल किया तो SIC का कॉल उठा नहीं। इसके बाद में तक अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मैंने कोतवाली पे भेजा, कोतवाली के लिए वो आए ही नहीं। तब इसके बाद 10-76 पे उसमें कोई सुनवाई हुई नहीं, आए सर उसके बाद डांटे, उसके बाद वो भी चले गए। कोतवाली भेजे कि आप चौकी पे भेजे? आपके सदर अस्पताल में चौकी पे, कोतवाली पे मैंने जो कोतवाली चौकी जो इंचार्ज थे उनको मैंने बुलाया, अंदर चौकी इंचार्ज, अंदर चौकी इंचार्ज तो यही है ना। इसके बाद फिर DIG को हमने फोन किया और वहाँ पे 10-76 पे फिर इनसे कॉल करवाए, तब इसके बाद फोर्स आई, तब पुलिस फोर्स आई, तब हम लोग सेफ हुए। तो तभी सब लोग ड्यूटी छोड़ करके हमारे यहाँ। तो मरीज जो डिस्चार्ज हो गया? नहीं, भाग गया, मरीज भाग गया। घटना के कितने देर बाद भाग गया? घटना के तुरंत बाद भागा है। टाइमिंग लगभग क्या रही होगी? टाइमिंग ऐसे सब लोग यहाँ आ गए फाइल में पड़ा।
रात में कोई एक मरीज आया था 9 बजे जी, और जिसका इलाज इन्होंने किया और जांच वांच भी उसका कराया, फिर उनके साथ कोई प्राकृतिक अपने को जनप्रतिनिधि बताते हैं कोई आए 15-20 लोगों को लेकर, वो कुछ सीधे स्टाफ के पास चले गए और डॉक्टर का पता पूछने लगे, तो सिस्टर ने उनको बताया कि ट्रामा में डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने पूछा ट्रामा किधर है, सिस्टर ने हाथ उठा के जब बताया कि ट्रामा उधर है, डॉक्टर वहीं पर होंगे, तो उनको जिस भी किसी तरीके से ये लगा कि यहाँ पर तुलसी से बात कर रही हैं, ऐसे कैसे आप वहाँ से डॉक्टर बात कर रही हैं, तो सिस्टर ने बताया कि भाई उधर ट्रामा है, आपने पूछा तो मैंने उधर बता दिया, डॉक्टर किधर है आपने पूछा मैंने बता दिया ट्रामा में, तो वो फिर जोर जोर से चिल्ला के बात कर रहे हैं कि CMO को बुलाइए, SIC बुलाइए, 15-20 मिनट में नहीं बुलाएंगे तो ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, आप मुझको जानते नहीं हैं, और ड्यूटी रूम में जबरदस्ती घुस गए और जाकर स्टाफ की कुर्सी पर बैठ गए, तो सिस्टर ने ये भी कहा कि भाई छोटा सा कमरा है और हम लोगों के काम करने के लिए है, आपको जो बात करनी है आप बाहर आकर करिए और हमें यहाँ कुर्सी पर बैठ कर काम कर ले लीजिए, ये कुर्सी हम लोगों को काम करने के लिए यहाँ लगाई गई है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुर्सी से उठने के लिए कहने की, इस तरह की बात करने लगे, और उनके साथ जो और लोग थे उन्होंने दरवाज़ा घेर लिया, अकेली महिला अंदर थी ड्यूटी में और एक दूसरी स्टाफ नर्स वार्ड में काम कर रहे थे, तो उससे वो थोड़ा व्याक्रांत हुए कि ये कोई बदतमीजी ना करे, तो फिर उसने हम लोगों को भी फ़ोन करने का प्रयास किया, अपने साथियों को फ़ोन करने का प्रयास किया, तो कुछ और स्टाफ इकट्ठा हो गया, उसको निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने उसको कुत्ता खींच के कर दिया, इस तरह की अभद्रता की, और तब तक कुछ पुलिस वाले भी आ गए, उन लोगों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा ड्यूटी रूम का नहीं छोड़ा, बाद में स्टाफ लोगों ने एक तरह चेस्ट पर फ़ोन किया जैसे उन लोगों ने बताया, तो कोतवाली से कुछ और पुलिस आई, तो इसकी जानकारी हमको इसके बाद हुई क्योंकि हमारे मिसेस की कुछ तबीयत खराब थी, तो हम देर में जगह थे तो फ़ोन हम नहीं रिसीव कर पाए, बाद में सब कर्मचारी मेरे पास आए थे तो थोड़ा सा कर्मचारियों में अनरेस्ट था, फिर हम लोगों ने उसकी तहरीर दे दी और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नियम और न्याय के अनुसार जैसा सरकार का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत सरकारी संपत्ति, सरकारी दस्तावेज और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और न्याय विभाग काम करेगा, उन्होंने सारे रिकॉर्ड भी और मरीजों के भी उठाकर अपने पास जब्त कर लिए थे जो बाद में पुलिस के समझाने बुझाने के बाद 1 घंटे बाद छोड़े, तो 1-2 घंटे इस तरह से उन लोगों के डिस्टर्बेंस से कार्य बाधित हुआ, और सुबह कुछ कर्मचारियों में अंडेस था। 23 को रात्रि को लगभग 9:15 बजे संदीप यदुवंशी नाम का एक व्यक्ति जिसको डायरिया की शिकायत थी वह इमरजेंसी वार्ड में जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था, उसको देखने के लिए लगभग रात्रि 12 बजे सूरज सिंह अपने कुछ साथियों के साथ इमरजेंसी वार्ड पहुंचे थे, वहां पर वह इलाज को लेकर SIC से वार्ता करना चाह रहे थे, इसी बीच उनका वाद विवाद वहां पर स्टाफ नर्सों से हुआ, जिसके संबंध में स्टाफ नर्सों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।